गुड इवनिंग दोस्तों, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, दूसरा हम इसके पीछे लॉजिक हम ये समझेंगे कि अब यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आकर के जो कंटिन्यू एक रेंज में ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दिया। ये वनडे का चार्ट है और यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। अब इसने एक मोस्टली देखिए एक रेंज बना ली है, ऊपर 34,800 का लेवल है और नीचे ऑलमोस्ट 33,000 का लेवल है। तो अब ये क्या है, 1800 के रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। मे भी देखिए अब ये जब भी रेंज जिस टाइम भी ब्रेक होगा उस टाइम अपने को एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ देखिए हमारे पास 35,620 का एक लेवल होगा और इसके बाद कंटिन्यू कर सकता है प्राइस ऊपर की तरफ। बट अगर अगेन ये आकर के नीचे का लेवल ब्रेक करता है तो नीचे का लेवल जो हमारे पास है वो ऑलमोस्ट 32,280 32,300 के पास आकर एक बार स्टे कर सकता है। उसके बाद मे भी नीचे की तरफ ब्रेक करे। बट यहाँ से अभी अपने को देखिए क्या करना है, मैं आप लोगों को सिंपल सा मैं लॉजिक बता देता हूँ। जब भी कभी भी मार्केट इस तरीके के रेंज में ट्रेड करती है तो क्या होता है कि जब भी ऊपर का लेवल जाकर के टेस्ट करती है तो वहां से नीचे की तरफ मूव करती है, और जब भी नीचे का लेवल टेस्ट करती है तो वहां से ऊपर की तरफ मूव करती है। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यू किया और यहाँ पर पहली बार लेवल टेस्ट किया और यहाँ पर ऊपर की तरफ गई है। अगेन जाकर के 34,624 का लेवल टेस्ट किया है, अगेन प्राइस नीचे की तरफ। अब यहाँ पर ये जो डोजी कैंडल दिख रही है ये ऑलमोस्ट देखिए डबल बॉटम बनाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर ये क्लियर कट अपने को दिख रहा था कि मे बी मार्केट अगर ये डोजी का लो नहीं ब्रेक करेगी और हाई ब्रेक करेगी तो यहाँ पर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। फाइनली अब देखिए अब ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये ट्रेंड लाइन के आसपास अपने को हर्डल देखने को मिल सकता है। तो देखिए कोई भी लेवल होता है ना तो वो लेवल आप ये मान के चलिए कि दूसरी या तीसरी बार में ब्रेक नहीं होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखिए ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ है, ये सेकंड टाइम टेस्ट हुआ है। एक मिनट मैं आपको इस तरीके से अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम की यहाँ पर टेस्टिंग हुई है, ये टेस्टिंग फर्स्ट टाइम हुई है, सेकेंड टेस्टिंग यहाँ पर हुई है, थर्ड टेस्टिंग यहाँ पर हुई है, और मैं भी देखिए अभी चौथी बार जा रहा है प्राइस इसको टेस्ट करने के लिए। तो कोई भी लेवल है वो चौथी बार में, पांचवी बार में, छठी बार में, मतलब क्या है देखिए जैसे एक लेवल है और प्राइस अगर आके बार बार इस लेवल को टेस्ट करता है तो ये लेवल क्या होता है, ये लेवल वीक हो जाता है, ये लेवल वीक हो जाता है और इसके इसके ब्रेक डाउन करने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं। तो मे भी प्राइस देखिए अगर यहाँ पर ये जो हमारा फ्राइडे का हाई है, फ्राइडे का हाई ब्रेक करता है तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट हमारा 34,000 ऑलमोस्ट, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर बता देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर पहला टारगेट हमारा जो होना चाहिए वो 34,680 का। वैसे मैंने टेलीग्राम में भी ये लेवल मैंने पोस्ट कर दिए हैं और ट्विटर पे भी लेवल पोस्ट किए हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं 34,680 का लेवल। और इसके बाद हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा 34,800 के आसपास। तो यहाँ पर अगर ये हाई ब्रेक करता है तो मे भी हम बिल्कुल श्योरली यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। चलिए 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को एक लॉजिक बताऊंगा। मेरे को काफी मैसेज मिले थे कि सर आपने जो है पुट क्यों बाइंग की थी, मैंने 1200 क्वांटिटी मैंने होल्ड करके गया था, मैं क्यों होल्ड करके गया था। अब देखिए मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, ये चीज बताया कि कोई भी लेवल अगर बार बार टेस्ट करता है तो वो लेवल वीक हो जाता है और उसके जो है ब्रेक होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो वही चीज मैं आपको सेम यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए ये यहाँ से बाउंस हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम टेस्टिंग इसकी ये है, ये दूसरी बार आया टेस्ट किया, ये तीसरी बार के टेस्ट करके बाउंस बैक हो रहा है, और ये ऑलमोस्ट यहाँ पर समझ लीजिए ये चौथी बार यहाँ पर बाउंस बैक हो रहा है टेस्ट होकर, और ये फाइनली पांचवी बार में जाकर के ये लेवल ब्रेक हो गया। देखिए ये बहुत बढ़िया मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि बहुत अच्छी नॉलेज है कि कहीं पर भी आप अगर आप किसी लेवल को अगर ब्रेकआउट पे बाय करने जाते हैं ना तो सबसे पहले वहां पर देख लीजिए कि वो कितनी बार टेस्ट हुआ है लेवल। वो लेवल तीन बार टेस्ट हुआ है, वो लेवल चार बार टेस्ट हुआ है, वो लेवल अगर वो लेवल चार बार टेस्ट हुआ है और फिफ्थ टाइम में जैसे यहाँ पर फिफ्थ टाइम में ब्रेक डाउन हुआ है तो वो बहुत अच्छा काम करने वाला है। बट अगर क्या होता है ना कई बार यहाँ पर दो बार टेस्टिंग के बाद तीसरी बार अगर ब्रेक करेगा तो वहां से क्या होता है, जैसे यहाँ पर इसने ये ब्रेक कर दिया है, ये ब्रेक करने के बाद ये जो प्रीवियस स्विंग लो होगा ना, प्रीवियस स्विंग लो से यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा प्राइस। सो यहाँ पर आप फेक ब्रेक डाउन के चक्कर में, फेक ब्रेकआउट के चक्कर में यहाँ पर फंस जाएंगे। तो देखिए ये लॉजिक था क्लियर कट, मार्केट ने क्लियर कट यहाँ पर एक अच्छी कैंडल के साथ, देखिए 15 मिनट है, 5 मिनट नहीं है, तो 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पर एक अच्छी क्लोजिंग दी थी और मे भी एक रेंज बनाकर क्लोजिंग दी थी। देखिए मैं अपने स्टूडेंट्स लोग को भी यही सिखाता हूँ, आपको भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कोई भी ऐसी कैंडल जो किसी स्विंग लो को ब्रेक करे और सेम कैंडल ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे वो बहुत अच्छा काम करने वाली है। एक बार मैं दोबारा आप लोगों को समझा देता हूं, जैसे कि समझ लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक ये स्विंग लो बन गया, स्विंग लो यहां पर रेंज बन गई। अब यहां पर कौन सी कैंडल ब्रेक कर रही है, ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल ब्रेक कर रही है। दोबारा सुन लीजिए, कोई भी ऐसे कैंडल जो सेम कैंडल किसी रेंज को या किसी स्विंग लो को, रेंज या स्विंग लो ये दोनों एक चीज हो गई,
किसी रेंज को भी ब्रेक कर रही है और सेम कैंडल आने वाले ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रही है और क्लोजिंग दे रही है, वहां पर आपको बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो यहां पर सेम चीज थी, यहां पर सेम कैंडल ने इस स्विंग लो को भी ब्रेक किया था और ट्रेंड लाइन के बाहर भी क्लोज कर दिया था और फाइनली इसकी क्लोजिंग जो है इस रेंज के बाहर हुई थी। मैंने यहां पर जो पोजिशन बनाई थी, अब देखिए ये क्या है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था सपोर्ट, अब यहां पर ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद अब ये सपोर्ट यहां पर रेजिस्टेंस बना, तो ऑलमोस्ट जब ये ग्रीन कैंडल बनी इसके बाद ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुई, अब रेड कैंडल के बाद मैंने यहां पर अपनी ऑलमोस्ट कुछ पोजीशन ऐड की थी। वैसे मैंने 600 क्वांटिटी पहले ऐड की थी ऑलरेडी और यहां पर 600 क्वांटिटी दोबारा मैं ऐड करके गया था, तो 1200 क्वांटिटी मैंने होल्ड रखा था। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या था, अगर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर प्राइस अगर नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप देखिए कहीं पर भी ओपन हो सकता है, वो तो अपनी किस्मत है हम कहां पर जाकर के निकल सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन में और गैप अप में हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये कैंडल के ऊपर अगर मान लीजिए प्राइस फ्लैट ओपन होता और इसका हाई यहां से ब्रेक करता, ऐसे कैंडल क्लोज होती, तो मैं यहां पर निकल जाता, बट यहाँ पर बहुत अच्छे 700 पॉइंट से गैप डाउन अपने को देखने को मिला और गैप डाउन के बाद ही ऑलमोस्ट मैंने यहीं पर बुक कर लिया। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है, तो मैं यहाँ पर वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। देखिए आपको जो पहले मिल रहा है आप वो प्रॉफिट बुक करिए, उसके बाद अगेन ये जब लेवल ब्रेक होगा तो दोबारा हम ट्रेड कर लेंगे, बट यहाँ पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉफिट आपको मिलता है उसको एटलीस्ट कम से कम सेव करना सीखिए। देखिए हम क्या है, ऑप्शन बायर है, हम ऑप्शन सेलर नहीं है, ऑप्शन मैं हूँ ऑप्शन सेलर, देखिए मैं पोजिशन में ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, बट एज ए ऑप्शन बायर मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आपको जो प्रॉफिट पहले मिलता है उसको आप लॉक करना सीखिए। अगर आप उस प्रॉफिट को लॉक नहीं करते हैं और ग्रीड के चक्कर में आप ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं तो क्या होगा ना, जो थीटा है वो आपका सारा प्रॉफिट उड़ा करके ले जाएगा। एक बार प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आकर के ऐसे इसने पुल बैक लिया, आप मान लीजिए सेल में है और आपने यहाँ कहीं सेल किया है, प्राइस नीचे आकर के अभी यहाँ पर नीचे आया, मान लीजिए यहाँ पर आपने सेल किया है 400 में और यहाँ प्राइस आ गया समझ लीजिए 200 रुपये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस जब अगेन यहाँ पर जाएगा ना यहाँ पर स्विंग के लिए, तो समझ लीजिए ये 350 रुपये तक गया स्विंग के लिए, और जब अगेन यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगा तो जिस टाइम प्राइस यहाँ पर समझ लीजिए कि 400 रुपये से, सॉरी हम ऑप्शन बाय रहे हैं, 400 रुपये से यहाँ पर समझ लीजिए 600 रुपये आ गया था, तो अब यहाँ पर आते आते ये 550, 560, 570 ही रह जाएगा और यहाँ से इसको रिवर्सल होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर मे बी डबल बॉटम बन जाता है। तो कहाँ आपको 600 रुपये पे आपको एग्जिट मिल रहा था, कहाँ आप 550, 560 पे यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। तो ऑप्शन बायर हैं, आपको मोमेंटम कैच करना है, मोमेंटम के पीछे जाइए, जो प्रॉफिट मिलता है आपको लग रहा है कि कोई लेवल यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बन, रेड कैंडल बन सकती है, ग्रीन बन सकती है, उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करना सीखिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकती है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट छोटा करके एक बार दिखा दूँ यहाँ पर, कि हमारे पास एक ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए, अब देखिए सेम लॉजिक में यहाँ पर आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए वन टाइम यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, सेकेंड टाइम टेस्टिंग यहाँ पर हो गई, थर्ड टाइम टेस्टिंग यहाँ पर हो गई और ऑलमोस्ट अब ये प्राइस जा रहा है फोर्थ टाइम टेस्टिंग के लिए। तो फोर्थ टाइम है इसलिए मे बी रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, प्राइस ये इस तरीके से जाकर के ऑलमोस्ट जो हमारा ये प्रीवियस स्विंग लो है यहाँ तक आकर के फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। जब ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर फिफ्थ टेस्टिंग हो जाएगी, मतलब पांचवीं बार में लेवल ब्रेक हो सकता है, बहुत इजीली ब्रेक हो सकता है। तो ये देखिए 1 आवर के चार्ट को दिखाने का मेरा पर्पज ये था कि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन की अपने को रेजिस्टेंस फेस करने को देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं और ये जो हमारी मेन ट्रेंड लाइन है ये ऊपर की तरफ आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, अब ऊपर की तरफ हमारे पास एक ये लेवल है, जो लेवल है 34,780 के आसपास, दूसरा हमारे पास एक रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट यहाँ पर है। तो अब यहाँ से जो अपने को मूवमेंट देखने को मिलेगी ना वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए 34,780 तक एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब नीचे से हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देखिए कोई भी प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ही ऊपर की तरफ जाएगा, कोई प्राइस अगर नीचे की तरफ गिरता है तो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ही नीचे की तरफ गिरेगा। अब यहाँ पर देखिए एक इस तरीके से पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, हमारा जो फ्राइडे की जो मूव हुई है वो ऑलमोस्ट इस तरीके से एक पैटर्न यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हो चुका है। अब बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट है, कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर देखिए किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ। अगर यहाँ पर कोई भी एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको सबसे पहले एक ये रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ये वाला रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस बनेगा तो यहाँ पर हमारा एक सेटअप फॉर्म हो जाता है, तो मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए देखूंगा अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है। बट अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है, मान लीजिए कि कोई भी कैंडल अगर इस तरीके से ऊपर की तरफ क्लोज कर देती है तो मैं यहाँ पर बाइंग के लिए जाऊंगा, और बाइंग के लिए कहाँ तक जाऊंगा ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जो हमारा 34,780 का लेवल है इस लेवल तक मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। अब ये लेवल पे अपने को क्लियर कट कम से कम 200
से 300 पॉइंट का अपने को डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो इस एरिया में आकर 34,780 का जो लेवल होगा वो एक सेलिंग का जोन होगा। इस एरिया में आकर के अपने को सेलिंग के लिए देखना है 34,780 का। दूसरा यहाँ पर अपना प्लान क्या हो सकता है, यहाँ पर अब जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो है वो 15 मिनट के चार्ट में ऑलमोस्ट ये वाला एरिया है, तो ये एरिया हमारा प्रीवियस स्विंग लो है। और दूसरा क्या है, अब ये ट्रेंड लाइन भी देखिए, अब यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के साथ ही यहाँ पर कोई कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर देती है, तो यहाँ पर एक अपने को अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये कैंडल अगर रेड कलर की क्लोज होगी नीचे की तरफ तो मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सेम लॉजिक समझाता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो कैंडल यहाँ पर मान लीजिए फ्लैट ओपन हो रही है और ब्रेक कर रही है, तो ये सेम कैंडल यहाँ पर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रही है और सेम कैंडल प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक कर रही है। मतलब क्या है, इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर भी अगर सेम चीज ऊपर की तरफ हम अगर देखें, अगर मैं इसको उठा करके इस तरीके से ऊपर की तरफ कर दूं, तो यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोज करती है तो यहाँ पर भी ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो रही है और ये जो हमारा स्विंग हाई है यहाँ पर ये भी ब्रेक हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी फास्ट मूव देखने को मिल सकती है। मतलब कहने का ये है कि अगर मार्केट मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होती है तो अपने को बहुत फास्ट मूव देखने को मिल सकती है। बट देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर चल रहा है, जिस दिन मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है उस दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, और जिस दिन मार्केट गैप डाउन नीचे की तरफ मूव कर रही है उस दिन मार्केट क्या है गैप अप ओपन हो रही है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मूव ऊपर की तरफ था तो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट का मूव नीचे की तरफ था प्राइस गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पर भी चांसेस है मे बी प्राइस नीचे की तरफ गैप डाउन हो जाए। तो अभी देखना है अपने को किस तरीके से ट्रेड मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर आप ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो प्राइस एक्शन पे जरूर फोकस करिए, मैं प्राइस एक्शन पे भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अभी ये वीडियो जो है, अब ये वीडियोस जो है कंटिन्यू रहेंगे, आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कई मेरे को मैसेज आ रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं बनाते हो, तो एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी मैंने एक अपना टाइम निकाल लिया, आधे घंटे का मैंने एक शेड्यूल बना लिया, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ आधे घंटे में मैं ये वीडियो कंप्लीट कर सकूँ। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।